कोरोना के इस माहौल में जहां सारे सगे संबंधी एक दूसरे से दूर हो गए, वहीं नवादा में छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान उन कोरोना पीड़ित जो मौत के आगोश में समा गए, उनका संस्कार कर मानवता की एक नई परिभाषा लिख रहे हैं। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथों के कथनानुसार मृत आत्मा को उनके रीति रिवाज के अनुसार संस्कार होने पर मोक्ष मिलता है। आज नवादा अस्पताल में 3 व्यक्ति के मृत शरीर का संस्कार करने के लिए लाश को शमशान ले जाते दिखे। नवादा न्यू एरिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिनके 5 भाई में से 4 नहीं आए, एक पुत्र ही सिर्फ कंधा देने के लिए तैयार। एक मृत जिसका सिर्फ एक पुत्र और कोई परिजन नहीं, वैसे ही संस्कार। ऐसे में छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान ही उन्हें घाट पहुंचाया। संस्थान के अमित ने कहा कि लोग इस तरह से अपने परिजन से मुंह नहीं फेरे, उनका संस्कार कर उन्हें जन्नत दे। संस्थान के अध्यक्ष जीतू ने कहा कि बहुत बुरा लगता है कि परिजन अपनों को छोड़ रहे हैं। मृत व्यक्तियों के परिजनों ने शिवाजी संस्थान के प्रति आभार जताया। रंजीत कुमार की रिपोर्ट। आगे अरे हम हो तो कुए और कहा इंफेक्शन फैला रहा है। छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान की ओर से मैं और हमारे मित्र अमित कुमार, आज ये 7वीं बॉडी है जिसे हम लोगों ने तय किया था, जो भी लावारिस बॉडी है जिसका कोई वारिस नहीं है, जिनके परिजन यहाँ नहीं आएंगे, वैसे बॉडी का दह संस्कार हम लोग करेंगे। उसकी बॉडी को कोरोना वार्ड से उठाकर गाड़ी में रखते हैं, दह संस्कार करवाते हैं। मतलब ये बॉडी जो है अगर मृत हो गया तो कोरोना से ही मरे ना? हाँ, COVID-19 के पेशेंट जो हैं, हाँ, जिनको परिजन छोड़ के जा रहे हैं। ये तो हमसे भी लेना छत्रपति शिवाजी के द्वारा हमारा, मेरी माँ गुजर चुकी है, मेरा पूरा काम अमित कुमार एवं जितेंद्र कुमार जीतू द्वारा संपन्न किया जा रहा है। मेरे परिवार कोई साथ नहीं सुनने दे रहे हैं, सिर्फ अमित कुमार और जितेंद्र जीतू ही साथ दे रहे हैं। आपके परिवार साथ में नहीं आए थे? नहीं, कोई आए लेकिन सब भाग गए। तो लाश को आप लोग ले जा रहे हैं? हाँ, मेरे दोस्त अमित कुमार और जितेंद्र के साथ जीतू जो हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई मेरे दोस्त के दोस्त हैं, वही मेरे साथ दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार आशुतोष कुमार। कहाँ के हैं ये? नादीगंज रोड गढ़ पर नवादा। अमित कुमार हैं, आपका क्या नाम है? निखिल कुमार। हाँ, बोले बोले। क्या ये दोनों के सहयोग से आज मेरे पिताजी के लाश को ऊपर से नीचे लाया गया? हम तो वही दर्शन करते हैं। हाँ बोलो। मैं अमित कुमार छत्रपति शिवाजी संस्थान से, मैं और जीतू जी कई दिनों से देख रहा हूँ कि लोग बड़े बड़े परिवार के लोग हैं, संख्या उनका भी ज़्यादा है, लेकिन अपने माता पिता की बॉडी को ऐसे ही छोड़ के भागे जा रहे हैं। जैसे आज का पहला उदाहरण है, गढ़पर का एक सिन्हा जी थे, उनके 5 भाई थे, जिनमें 4 भाई भाग गए, एक भाई बेचारा कैसे करे दाह संस्कार। इसलिए हमें सभी समाज से विनम्र आग्रह कि अपने परिवार को समझें और किसी तरह से उनका दाह संस्कार करवाएं। जय श्री।